मेहर जिले के मुकुंदपुर भाई टाइगर जू में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने देश की दूसरी वॉक इन एवियरी का लोकार्पण किया। जू में अब सफेद शेर के साथ विदेशी प्रजाति के पक्षी भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। मेहर जिले का मुकुंदपुर जू वैसे तो सफेद शेर के लिए जाना जाता है। देश विदेश से पर्यटक सफेद शेर को देखने के लिए व्हाइट टाइगर सफारी आते हैं, लेकिन अब यहां सैलानियों के लिए विदेशी प्रजाति के पक्षियों का भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू में वॉक इन एवियरी का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यहाँ देश की दूसरी वॉक इन एवियरी का शुभारम्भ किया गया है, जिसमे 3 करोड़ की लागत से विदेशी प्रजाति के पक्षियों को लाया जाएगा, ताकि देश विदेश के सैलानी यहां आकर जंगल सफारी का लुफ्त उठा सकें, जिससे एमपी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सफेद शेर को, सफेद बाघ को विदेशों के चिड़ियाघर में देखने का वो महत्व नहीं है, या देश के अन्य चिड़ियाघरों में देखने का वो महत्व नहीं है, बल्कि धरती में देखने का महत्व है। जिस धरती से सबसे पहले वो मिला और उसके बाद यही के वंशज देशों विदेशों के चिड़ियाघरों में गए, तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया है और पर्यटन यहाँ बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों को काम मिलता है। तो इस दिशा में हम तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज जो एवियरी का उद्घाटन हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।